नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर, प्रणाम हाँ प्रणाम। सर। मैं बीएड की हूँ, बनारस की ही हूँ। और सर, मेरा 15 में बीएड हुआ था और 18 में मेरा टेट पास हुआ था। ठीक है। सर, एक कंफ्यूजन है जो हमें आपसे सॉल्व करना है। बताइए। सर, क्या है कि मेरी जो पढ़ाई ना बहुत छूट छूट के हुई है। जैसे कि मेरी मदर, मैं जब हाई स्कूल पास की तभी वो एक्सपायर कर गई, तो छोटे छोटे भाई बहन थे, मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी और मुझे पढ़ने का था कि मैं पढ़ूंगी। तो सर, हम लोगों को आर्थिक भी थोड़ी परेशानी रही है, तो मैं सर रुक रुक के पढ़ाई की हूँ। जैसे एक दो साल का गैपिंग हो गया है, फिर इंटर किया, फिर बी ग्रेजुएशन किया, फिर किसी तरह से बीएड किया, फिर टेट किया। तो सर, मैं यही सोच रही हूँ कि अगर ये जो नियुक्ति होने वाली, 69,000 में भी मैंने दिया था एग्जाम, लेकिन मैं मेरिट में नहीं आई। तो सर, मैं यही कह रही हूँ कि मेरा हो सकता है कि नहीं सर। आपने बताया कि आपने 2015 में बीएड किया और प्राइमरी वाला टेट 2018 में, जी और 69,000 में आवेदक भी रही हैं। जी तो आप हमारे जो है यूट्यूब चैनल पर जो भी अपडेट्स सर, डाले हम जाते दो हैं। हजार सत्रह से ही आपका देख रहे हैं। अच्छा, चलिए, तो सारे अपडेट्स तो मिलते ही होंगे, हाँ जी, सब देखती हूँ मैं। तो सब देखते हैं। तो लगातार हम हर चीज़ बता ही रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुआ है, उसके तहत बहुत सारी चीज़ें हाँ गवर्नमेंट प्लान की है, सर, वो सब होने जा होगा। रहा है। हाँ तो सर, तो वो सब तो मैं सुनती हूँ, मुझे क्लियर भी है। पर सर, मुझे यही एक अंदर से डर लगा रहता है ना कि मैंने बहुत, जैसे कि मैंने 94 में हाई स्कूल किया सर, फिर मेरा वो आ करके 98 में मेरा इंटर हुआ सर, फिर 2000 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ 2009 में आके। तो उससे क्या दिक्कत है? सर, मैं यही सोच रही हूँ ज्वाइन के लिए कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं आएगी। मैं सोची आपसे कंफर्म करके मैं संतुष्ट हो जाऊंगी, इसीलिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। पढ़ाई करना एक अलग चीज़ है जी और नौकरी लेना अलग चीज़ है, ठीक है? जी तो जब कोई नौकरी के लिए आवेदन करता है तो उसमें कुछ शर्त होते हैं, जी तो पढ़ाई उसमें शर्त जो होता है, तो क्वालिफिकेशन देखा जाता है और जी उम्र वगैरह देखा जाता है, जी ठीक है? तो आप जो है आवेदक भी रही हैं, टेट पास भी हैं, जी और अभी जो हम लगातार बताते रहते हैं हर कक्षा में शिक्षक योजना, उसमें जो है उम्र में छूट वगैरह भी दे करके होगा, जी तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। आप टेट जी पास हैं, बीएड की हैं, बस एक जो है जो बीएड वाला गजट था वो रद्द हुआ है, हाँ जो हाँ सर, वो तो सुन रहे हैं। तो वो नया हाँ गजट जो है आने जा रहा है, नवंबर में आ जाएगा, जी तो मान के चलिए करीब करीब 15-20 दिन में आ जाएगा। जी नवंबर में आना है, तो उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी। तो जी केंद्र सरकार हर कक्षा में शिक्षक योजना जब घोषणा कर देगी जी सर ये गजट आने के बाद, तो राज्यों को फिर सारे पद जी भरने होंगे। जी तो आप बस जो है पढ़ाई पर फोकस कीजिए कि तैयारी करते रहिए, अगर इंटरव्यू होता है तो आप तैयार रहिए, कि अगर जी इंटरव्यू देना हुआ तो पहले से आप तैयार रहें इंटरव्यू डेमो, और अगर नहीं हाँ सर, होता है वो तो मैं कसर करती हूँ, क्योंकि मैंने सर 10 साल पढ़ाया भी है। तो चलिए, आपने पढ़ाया है तो डेमो में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, और पढ़ाई करते रहिए तो सब्जेक्ट जी ने से संबंधित कुछ भी पूछा जाएगा तो वहाँ भी दिक्कत नहीं होगी। जी सर, इस समय तो मेरा पीएचडी का भी फाइनल होने वाला है सर, नवंबर में उसकी भी डिग्री मिल जाएगी। मैंने संपूर्णानंद से अच्छा रेट अच्छा निकाल के सर, हाँ सर, हिस्ट्री से मैंने पीजी किया था, तो फिर मैंने उस पे मेरा था टॉपिक पुराणों में शिव कथा एवं कला में अंकन, तो इस पे मैंने काम तो किया चलिए, है। पीएचडी आप जो है ऑलरेडी कर रही हैं, तो जी अगर इंटरव्यू होता है तो उसमें ये सब चीज़ें प्लस पॉइंट रहेंगी आपके लिए, जी तो कोई दिक्कत नहीं। इंटरव्यू होगा या नहीं होगा ये अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में चूंकि लिखा है इंटरव्यू, और हाँ आप देख सर रही हैं कि केंद्रीय विद्यालय की भर्ती चल रही है उसमें इंटरव्यू होता है, जी सर और अभी जब रिजल्ट जारी हुआ है तो इंटरव्यू का डेट दिया गया है, जो भी कैंडिडेट का लिस्ट में नाम है वो लोग इंटरव्यू देंगे। जी सर तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तो कहा ही गया है कि हर शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू होना है, तो जी ये कब लागू हो जाएगा कोई नहीं जानता,
जी क्योंकि वो अपने से तैयार रहना है अपने सर से तैयार रहना है। होता है जी तो भी कोई दिक्कत नहीं, और नहीं जी होगा तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, जो तैयारी किए रहेंगे नुकसान थोड़ी होना है। नहीं, सर पढ़ाई कहाँ नुकसान देता है, वो तो कहीं ना कहीं कुछ फायदा ही दे करके जाएगा। तो बस अपडेट्स लेते रहिए, ग्रुप से जुड़े रहिए, तैयारी जारी रखिए, पढ़ाई जी हमेशा सर, करते रहिए। वो जो हम लोग सुपर टेट का तैयारी किए थे बस वही कर रहे बस हैं, सही बस रहेगा ना सर? सुपर टेट का ही पूरा सिलेबस पढ़ना है, कुछ भी अलग से नहीं, जी सर उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वही। जी तो बस तैयारी करते रहिए और पहुँचे रहिए, कुछ नहीं आपके एजुकेशन में जो गैप है उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। गैप नहीं देखा जाता है, ये देखा जाता है कि आपने जो है क्वालिफिकेशन जो है वो पूरा कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ये देखा जाता है। जी सर नहीं सर, क्वालिफिकेशन तो मेरा पूरा है, पर मुझे ना सर यही डर लग रहा है, तो मैं काफी दिन से आपको सुनती हूँ हमेशा, तो मुझे यही लगता था कि मैं कभी सर से बात करूंगी। मैं बहुत बार ट्राई भी किया हमने, अच्छा, तो जी नहीं लग पाया, तो आज ऐसे ही बैठी थी तो फिर मुझे ध्यान आया कि एक बार पुनी सर से बात हो जाती हमारी तो हम कंफर्म हो जाते हैं, हमको टेंशन जो रहती है वो दूर हो जाती चलिए हमारी। तो आज बात हो ही गई है। और कंप्यूटर में कोई सर्टिफिकेट वगैरह ली है कि नहीं अभी? नहीं सर, कंप्यूटर की जानकारी तो मुझे नहीं है। तो कल से ही कंप्यूटर सेंटर पर जो है जाकर के कंप्यूटर 1 घंटा रोज पढ़ना शुरू कीजिए, जी और सर तैयारी 3-4 महीने 6 महीने कीजिए, कंप्यूटर पढ़ते रहिए लगातार। देख रहे हैं ना स्कूलों में टैबलेट और क्या क्या दिए जा रहे हैं, जी जी सर स्मार्ट हाँ बोर्ड लग रहे हैं, तो बिना कंप्यूटर के फ्यूचर में जो है पॉसिबल ही नहीं है कुछ। स्कूलों को स्मार्ट किया जा रहा है, तो अगर इंटरव्यू होता है तो कंप्यूटर से कुछ भी पूछ सकते हैं। जी तो कंप्यूटर की पढ़ाई करते रहिए, और जब पढ़ाई कर लीजिएगा तो CCC का फॉर्म भर दीजिएगा, बाद में सर्टिफिकेट भी ले लीजिएगा। जी सर 1 घंटा 2 घंटा पर डे कंप्यूटर सीखिए, अगर संभव हो तो एक कंप्यूटर या लैपटॉप घर में होना चाहिए, अपने नहीं लिए सर भी, घर के अन्य सदस्य जो हैं बच्चे वगैरह या कोई भी है उनको भी सीखने की काम में आएगा, हमेशा पास में जी रहेगा, सर चलाते रहने से हैबिट बना जी सर रहेगा। तो जी सर कंप्यूटर तो जरूर से सीखते रहिए। हाँ ठीक है सर, कोशिश मतलब पूरा कोशिश करूंगी कि मैं कंप्यूटर सीखूं, और सर आप जो भी बताते हैं उससे मैं सुनती हूँ। मैं तो पर सर बहुत निगेटिव हो गई थी, मतलब अब क्या बताऊँ, हर तरह की समस्याओं को झेलना पड़ता है, चलिए तो लाइफ है तो इसमें तो लगा हाँ ही रहेगा सर कुछ ना कुछ। हाँ सर, पर और ईश्वर की एक कृपा है सर कि मैं कभी होपलेस नहीं हुई। मैंने 3 बहनों की शादी भी किया, अपने छोटी बहनों का, बढ़िया, दो बढ़िया भाइयों का भाई। भी शादी किया मैंने। अच्छा, तो काफी स्ट्रगल रहा है आपकी लाइफ में, आपने काफी कुछ किया है। हाँ सर बहुत, मेरा सर छोटा भाई मतलब माँ मेरी जब एक्सपायर की तो मात्र 1.5 साल के थे। हाँ अच्छा आज वो इंजीनियर है राजस्थान में। अच्छा बढ़िया है। हाँ सर, उन्होंने उनको मैंने पढ़ाने की हमेशा प्रयास किया, सारे लोग ग्रेजुएशन करके, बहनों की भी मैंने शादी के दी की। अब तो सर पहले काफी दिक्कत थी आर्थिक, लेकिन अब ठीक है क्योंकि दोनों भाई काम करने लगे। एक लोग हैं अपना जनसेवा केंद्र चलाते हैं, और छोटे भाई हैं तो एक सर बीटेक किया था उन्होंने, पॉलिटेक्निक किया, फिर उन्होंने पॉलिटेक्निक के थ्रू कंपनी ज्वाइन कर ली, फिर बीटेक कर लिया, फिर उसके बाद सर अभी वो राजस्थान में है, तो अब आर्थिक भी चीज टेंशन नहीं है, पहले जितना था सर अब कुछ भी नहीं है, अब तो लगता है कि नहीं पटरी पे आ गई है लाइन। चलिए तो सही है, आर्थिक समस्याएं ही मूल होती हैं, उसको आपने पार जी करते हुए सबका जो है अच्छे जी से जी जो है पालन पोषण किया आपने, और आज जो है सब अच्छे जगह पर हैं, सब सर इसी अच्छा। बात की तो खुशी होती है कि मैं कुछ कर पाई अपने लिए या नहीं कर पाई, लेकिन भाई बहनों को, और पिताजी भी नहीं है सर, मदर के बाद 2.5 साल बाद पिताजी भी एक्सपायर हो गए एक्सीडेंट में। ओ चलिए, तो अब तो सब कुछ लगभग ठीक ही चल रहा है, बस थोड़े समय में आपकी जॉब भी हो जाएगी। बस सर यही इच्छा ही है मेरी, लास्ट इच्छा यही है कि मैं जॉब करूं हो बस। जाएगा हो जाएगा, बस पढ़ाई जारी रखिए। और टेलीग्राम जो हमारा वो ग्रुप है जी जी है, उस पर, मैंने किया है, फेसबुक हाँ उस पर जो है, पे भी देखती हूँ आपका, यूट्यूब पे भी देखती अच्छा, हूँ। तो जी टेलीग्राम ग्रुप में जो है 2 PDF डाले हैं आज, अच्छा सर कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल का, जी तो कंप्यूटर सीखिए। और वो PDF जो है मार्केट में जाएंगी बुक खरीदने, तो मार्केट में बुक भी मिल जाएगा, जी और ये सर PDF। कंप्यूटर का बुक है एक मेरे पास, क्योंकि जब हम लोग PhD का ट्रेनिंग कर रहे थे ना, तो सर उसमें भी क्वेश्चन सब पूछते हैं, तो मैंने बस पढ़ाई करके उसी से मैंने उसको
मतलब फाइनल किया था। मुझे चलिए अच्छी चलाने बात आने है। नहीं आता है सर, पढ़ के मैंने किया था। तो जो है वो अब उस बुक को भी पढ़ते रहिए, और 2 PDF डाले हैं उसको भी उनको देख भी, लेते हैं हाँ पढ़ सर के रहिए, और संभव हो तो घर जी। में एक कंप्यूटर या लैपटॉप जो है ज़रूर रखिए। आजकल तो सस्ते में भी बहुत मिल जाते हैं, सेकेंड हैंड भी मिल जाते हैं, या फिर EMI पर ले लीजिए, धीरे धीरे किस्त भर दीजिए। नहीं सर, भाई लोग से बोलूंगी ना तो उन लोग कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर देंगे। दोनों लोग से बोलूंगी तो वो लोग कर देंगे, या उनका भी होगा तो पुराना मंगा लूंगी लैपटॉप भैया भाई से, छोटे भाई से, कि आप दे दो, मैं उस पे सीखते रहूंगी कोई जी। चीज़ सिर्फ पढ़ना, और कोई चीज़ पढ़ने के साथ साथ जो है प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करना सर, करना, हाँ ज्यादा बेटर होता तो है। जब अपने पास रहेगा खाली टाइम में, जैसे बैठे बैठे कभी मोबाइल चला रही हैं कुछ कर रही हैं, वैसे उसको भी चलाएंगी। जैसे एक टाइम था मोबाइल में बहुत कुछ नहीं पता था, लेकिन आज बहुत कुछ पता है, जी तो सर ऐसे ही वो भी जी ऐसे जी ही पढ़ते पढ़ते करते करते आ जी जाएगा, तो वो काम जी सर देगा। जी सर और जब सीख लीजिएगा तो फिर CCC का फॉर्म भर दीजिएगा, वो भी एग्ज़ाम पास हो जाएगा, जी सर तो एक सर्टिफिकेट भी हो जाएगा। तो कंप्यूटर जी ज़रूर से सीखिए। जी जी बिल्कुल सीखूंगी। बस मैं आज आज तो नहीं, कल से मैं बिल्कुल उस पर काम करूंगी दो जी। PDF फाइल डाले हैं, दोनों देख लीजिएगा, दोनों में बेसिक चीज़ें पूरी जो है कंप्यूटर संबंधित जी सर डिटेल में है सब कुछ। जी जी सर चलिए और कुछ तो नहीं पूछना? नहीं सर, बस मुझे यही इसी बात के लिए मैं बहुत टेंस में रहती थी कभी कभी, कि मैंने सोचा सर से ही कंफर्म करूंगी, सर बता देंगे इसका हल, ये और कोई कहीं तो दिक्कत लगता नहीं, नहीं सर कि हाँ कहीं से जाने। लेकिन ये है कि मैं जब से आपका ज्वाइन की सर आपका ग्रुप, और जब से मैं देखने लगी हूँ, तब से मुझे लगता है सर कि मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ, कि नहीं कुछ हो तो सकता है, अगर नहीं भी होगा तो कम से कम सर इतना बताते हैं, हम कुछ तो कर लेंगे, कहीं प्राइवेट भी तो कहीं गया नहीं है। बिल्कुल हो जाएगा। अभी जो है बस ये गजट वाला जो आ गया समस्या, जी उसकी वजह जी से विलंब हो रहा, नहीं तो अब तक तो शुरू हो जाना था। तो कुल जी मिलाकर सर के नवंबर में गजट आने के बाद जी सर दिसंबर कुछ में जनवरी में भी चीजें जी सर कुछ चीजें होती है ना जो अपने समय पर होता है, हम आप चाहने से हमारे आप की हाँ नहीं होता हाँ है बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो बस पॉजिटिव रहिए और अपडेट्स लेते रहिए, और धीरे धीरे सब चीज़ें हो रही हैं, सामने आ रही हैं। जी सर नवंबर में देखिएगा जितने भी लोग अभी तक नेगेटिव थे वो भी पॉजिटिव होने लगेंगे, वो भी फिर बातें करने लगेंगे। जी जी सर ठीक धन्यवाद सर, मैं मुझे वेलकम। आपने बता दिया। ठीक है सर, प्रणाम सर। प्रणाम।